स्पॉइलर फट गया। और लगभग 4:45 बजे के आसपास का मैसेज आया था ये इसमें है, लेकिन यहाँ ना तो कोई मालिक मिल रहा है ना कोई वर्कर मिल रहा है, उसकी वजह से बड़ी परेशानी हो रही है। इसके अंदर मटेरियल कौन सा है, कितना मटेरियल है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। बाकी गाड़ियाँ लगा रखी हैं दिल्ली से, रोहतक से, सोनीपत से, झज्जर से, हमने अपने एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने मदद ले रखी है। आग हो जाएगा कंट्रोल थोड़ी देर। ब्लास्ट भी हो रहे हैं, केमिकल के ड्रम्स हैं, वो ड्रम जो है ना उसमें वेपराइजेशन होकर के वो ब्लास्ट हो रहे हैं। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है फायर ब्रिगेड को? फिलहाल तो यही है कि इसमें पता नहीं चल रहा ना बेसमेंट में है कितना मटेरियल है, मटेरियल की वजह से पता नहीं चल रहा, क्वांटिटी की वजह से उसने उसमें। सर कोई मजदूर तो अंदर नहीं फंसा है अभी तक हमारे नोटिस? फैक्ट्री मालिक से बात हुई हो? किसी से कोई बात नहीं हुई अभी तक। आग का कारण का कुछ पता लगा? नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई मिला ही नहीं ना। फायर की कोई एनओसी का कभी कोई ध्यान नहीं है, देख जांच की बात बाद में। कितनी गाड़ियां पहुंची अभी तक? फिलहाल 14 गाड़ियां काम कर रही हैं। कर्मचारी कितने लगे हुए हैं सर फायर पे? हर गाड़ी पे 6 कर्मचारी हैं। तो सर आसपास की फैक्ट्री को बचाने का प्रयास? बिल्कुल, साथ वाली फैक्ट्री थी उसको बचा लिया है। ब्लास्ट तो बड़े धमाके हो रहे हैं, उसको लेकर कोई एहतियात बरते जा रहे हैं फायर ब्रिगेड? बिल्कुल, पब्लिक को दूर हटाया जा रहा है, पुलिस प्रशासन की मदद ली जा रही है, चारों तरफ से खाली करवा दिया है। आसपास की इंडस्ट्री है जो जिनमें खतरा बढ़ रहा था उनको खाली करवा दिया है। फायर कर्मचारियों को हेलमेट या कोई सेफ्टी के पर्पज जो फायर पे काम कर रहे हैं उनके पास सारी सेफ्टी दे रहे हैं? कुछ है जैसे केमिकल का कोई इस्तेमाल किया जा रहा है? हाँ, फॉर्म AFFF डाला जा रहा है पानी में।